पृथु तो भगवान को पाइबा निजे कठोर तपस्या रत थिले भोजन त्याग करिचंती जल टिके पिउथले ताकु भी त्याग कले गोटिए परे गोटिए यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि ये जोगर आठटी सोपान क्या छिड़ी ना महाराज इंद्रिय मान को अत्यंत भाव संयत कर विषय गुड़ी वर्जन कर समस्त प्रकार बंधन को तुटे भगवान श्रीकृष्ण चरणारविंद निजर मथिक रखिंट आज आसतु आस्वादन करवा कि भाव में महाराज पृथु भगवान को प्राप्ति होती निश्चल चित्ते नृपवर गोविंद तपसाधने निष्ठा पर गोविंद 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 पदगाड़ुछि मकरंद गोविंद ते शिक्षा ब्रह्मा का कुमार गोविंद कही जे थिले जग सार गोविंद 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 पदगाड़ुछि मकरंद गोविंद से जोगे गोविंद चरण गोविंद नित्य आराधि नृपराण गोविंद 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 पदगाड़ुछि मकरंद गोविंद श्रद्धा भक्ति दृढ़ चिते गोविंद भक्ति जन्मिला हृदगते गोविंद 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 पदगाड़ुछि मकरंद गोविंद बोले सद्गुरुदेव भगवान की महाराज पृथुंकर सौभाग्य जे तांकु भगवान करुणा करी कृपा करी ब्रह्मांकर पुत्र सनत कुमार को पठाई ज्ञान उपदेश दवापाई से सनत कुमार इत्यादि जो चतुस्सनक आसी तांक पाखरे पदार्पण करी भगवान कर अमृतमय तत्व उपलब्धि करैचंती जोगर मार्ग शिक्षा देचंती प्रति छत्रे छत्रे महाराज पृथु आज तांकरी आज्ञारे साधन भजन करी करी चालीचंती जे शिक्षा ब्रह्मांक कुमार कही जे थिले जोग सार से जोगे गोविंद चरण नित्य आराधि नृपराण से जेमिति ढंगरे बतई देथिले महाराज पृथु सही धारारे निजको आगे नौचंती तो भक्ति जन्म होबा भितरे एते सहज कथा नुहे जदि भगवान के प्रति श्रद्धा न रहिब जदि भगवान के प्रति भावना टिके न रहिब तो किभली भगवान आसीबे श्रद्धा भक्ति दृढ़ चित्ते जन्मिला परे दृढ़ चित्त जदि दृढ़ न होबो निष्ठा जदि न रहिब ताले भगवान कर जो अमूल्य संपत्ति ता हुची भक्ति से भक्ति हूँ अमूल्य संपत्ति ता प्राप्त ही पारनी जदि भगवान प्रति श्रद्धा ना तेणु भगवान प्रति श्रद्धा गुरु को वाक्य श्रद्धा विश्वास हो श्री गुरु को वाक्य श्रद्धा रहा दरकार जहाँ गुरु कहले श्रद्धार सहकार मानि नहीं गली मुझे रास्तार निजक चलैली तार निश्चिंत मत भक्ति प्राप्त हब तेणु महाराज को आज भगवान प्रति भक्ति आसीगला भक्ति जन्मिला हृदयगते भक्ति आसिले कौन हुए भक्तिर मध्य अष्ट सात्विक विकार भाव आसे अश्रु आसव पुलक आसव रोमांच हम सत्कार हम कंठ गदगद ये सब भक्तिर रूप विवरण हो भक्तिर गोटे गोटे लक्षण जहाँ अष्ट सात्विक विकार बोली कह जाए आनंद रे पुलकित हो शरीर तेणु महाराज पृथु जेतबले जोगर शेष सोपान पहुँची कहना भक्ति उपजीव जेबे छाड़ब सर्वकर्म तेबे जदि भगवान कृपा करी भक्ति टिके देदेले ये गोटे गोटे पाच चढ़ी चढ़ी आपण जोटी पहुँचे जम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि भक्ति चुटकिनी समाधि हो जाए कीर्तन करी श्रीकृष्ण चैतन्य महाप्रभु श्री नित्यानंद महाप्रभु ये बारंबार समाधिस्थ हो जाते आम निजे दर्शन करमर परम कारुणिक गुरुदेव बाबा श्री श्री वैकुंठनाथ ब्रह्मचारी गोटे गोटे श्लोक समाधि हो जाते
गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर लोक भावती बोधे बाबा को आपर किसी आसवनी किंतु चेता न थाए से समय आउ जे सिद्ध साधक थिले प्राची नदी कूल महाश्मशान पुरी जिला नुआहाट काकटपुर पाखापाखी जगह सिद्ध साधक प्रेमाचार्य मधुसूदन थरे कृष्ण शब्द उच्चारण कले समाधि ये तो आम मैंने देखी महापुरुष मान अवस्था श्रीकृष्ण चैतन्य अवस्था कौन है तापरे भागवत वर्णना है महाराज पृथ्वी कथा निश्चिंत जिते भक्तिर से भाव आसव यही भाव रूप बदली रोमांच हम शिकार हम पलुक पुलकित हम अश्रु आसव एवं कंठ गदगद हो भक्तिर लक्षण जमीती ठाकुर अभिराम परमंश लिखिंट तुम्भ भावे नेत्रु बही जाऊ नीर तेती जाऊ ये शरीर मोहर तुम्भ भावे देह हेउ काष्ट परी इकड़े सुंदर कथा कहतु काठ भाया देह हो जाऊ प्रभु तेणु आज महाराज पृथ्वीकर अवस्था कौन हो आनंदे प्रेमांग भक्ति श्रीकृष्णे कले महीपति गोविंद 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 पदुगड़ुछि मकरंद से हरि भजन प्रवण होइला मन सुनिसळ गोविंद 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 पदुगड़ुछि मकरंद निर्मल मन प्रकाशिला वैराग्य ज्ञान उपजिला गोविंद 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 पदुगड़ुछि मकरंद से ज्ञान तीक्ष्ण शस्त्रेराय छेदिले हृदर संशय गोविंद 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 पदुगड़ुछि मकरंद जे कर्म ग्रंथि जीवकोश ज्ञान खड़गे गलानास गोविंद 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 पदुगड़ुछि मकरंद बोल सच्चिदानंद भगवान की आनंदे प्रेमांग भक्ति श्रीकृष्ण कले महीपति शरीर भितर जेतुले प्रेम आसीगला भक्तिर दृढ़ता जेतुले आसीगला भक्ति रे प्रीति जेतुले आसीगला भक्ति रे प्रीति नहीं जार से काहू जाने मो पैर किंतु भक्ति रे प्रीति जार अच्छी से तो भगवान को पैर निश्चय जानी परिबे कारण भगवान आउ कौ थे बंधा दियंती नहीं ना ज्ञान ना ध्यान यही सब थे भगवान प्राप्त होते ना कर्म भक्ति ज्ञान घेनी एमंत जोग मार्ग तीनि नाही संसारे अनुमानु निस्तरे भक्ति जोग बिनु भक्ति जोग ठारु श्रेष्ठ जोग आउ नाही तेणु महाराज पृथ्वीकर जे भक्ति जोग जेतबले हे गला शरीर प्रेमांग सृष्टि हला आनंद आसीगला से हरि भजन प्रबल होइले मन निशु निश्चल भगवान को भजन करी करी निश्चल मन हो गला हृदय निर्मल हो गला तांको भीतर ज्ञान आ वैराग्य उद्रेक हला से ज्ञान रूपक तीक्ष्ण शास्त्र रे कण कले ना तांकर कर्मर गंथी जा थिला जो आसक्ति थिला से कण कले जो हृदय भीतर जो संशय थिला सब विनाश कले ज्ञान खड़गे कलानाश जेमिति ज्ञान होची गुटिए खड़ग से खड़गरे कण करिवे ना संशय रूपक ग्रंथि के छेदन करिवा कथा तो महाराज पृथु तांक भीतर जो ज्ञान उद्रेक हला वैराग्य उद्रेक हला से ज्ञान माध्यम से कण कले ना ज्ञान खड़गे गला नाश जे कर्म ग्रंथि जीवकोश जो कर्मर ग्रंथि थिला जो संशय थिला
ଭଗବାନ କୃପାରୁ ତାହା ସମୂଳି ନାଶ ହୋଇଗଲା। ସେ ଯେହେତୁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ କାହିଁକି ନା ସିଏ ଆତ୍ମବୁଦ୍ଧିରେ ଏବେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଦେହ ବୁଦ୍ଧି ତାଙ୍କର ନାହିଁ। ମୁଁ ଯିବ ମୋର ଦେହ ଏହି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆତ୍ମବୁଦ୍ଧି, ସବୁଠି ସେ ଆତ୍ମାକୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଭକ୍ତି ଆସିଲେ ତ ସେୟା ହିଁ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସକଳ ଘଟେ ନାରାୟଣ ଅନାଦି ପରମ କାରଣ। ଆଜି ପୃଥୁଙ୍କର ସେହି ଅବସ୍ଥା ହେଲା। ଦେହରେ ଆତ୍ମବୁଦ୍ଧି ଯେ ତକ୍ଷଣେ ଦୂରେ ଗଲା ସେହି ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ଏଣୁ ପାଇଲେ ଆତ୍ମଗତି ନିରହଙ୍କାର ହେଲା ମତି ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ଏ ସର୍ବଜ୍ଞାନେ ବିନାଶ ତା ପରି ହରି ନୃପଈଶ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ଯାବତ ହରିଙ୍କ ଭଜନ ନୋହିଛି ତାବତ ସାଧନ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ବୋଲି ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ ଭଗବାନ କି। ଆଜି ମହାରାଜ ପୃଥୁଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଭକ୍ତି ଆସିବାରୁ ଜ୍ଞାନ ଆସିଛି। ଜ୍ଞାନରେ ତାଙ୍କର ସଂଶୟ ଗ୍ରନ୍ଥିକି ସେ ଛିନ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଆଉ ମୁଁ ଦେହ ବୋଲି ଏଇ ଜ୍ଞାନ ଆସିନି, ତେଣୁ ସେ ଆତ୍ମଗତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏ ସର୍ବଜ୍ଞାନ ବିନାଶୟ ତାପରି ହରି ନୃପଈଶ ଯାବତ ହରିଙ୍କ ଭଜନ ନୋହିଛି ତାବତ ସାଧନ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହରିଙ୍କ ଭଜନ ହେଇନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆଜି ସାଧନ କ'ଣ ହେଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତ ଭଜନ ହେଇନି। ଆଉ ଯଦି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ ମତି ଯାଇନି ତାହେଲେ ଜୀବନରେ କେବେ ଶାନ୍ତି ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ଭଜନ ରସେ ମତ ହୋଏ ଗୋବିନ୍ଦ ନ ପଡ଼େ ଶୋକ ମାୟା ମୋହେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଏ ରୂପେ କଲେ ସେ ରାଜନ ଗୋବିନ୍ଦ ଆତ୍ମାରେ ଆତ୍ମାକୁ ଯୋଜନ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ସେ ଯୋଗୀ ଯୋଗାସନ ବଳେ ଗୋବିନ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱରୂପୀ ସେ ହୋଇଲେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ କାଳେ ଛାଡ଼ିଲେ କଳେ ବର ଗୋବିନ୍ଦ ଏ ଅନୁକ୍ରମେ ହେବି ଦୂର ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲି ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ ଭଗବାନ କି। ମହର୍ଷି ମୈତ୍ରେୟ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ବିଦୁରଜୀ, ଭଗବାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ କୃପାଳୁ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୟାଳୁ। ମହାରାଜ ପୃଥୁଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଏଭଳି ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ମହାରାଜ ପୃଥୁ ନିରହଙ୍କାର ହୋଇଗଲେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଟିକେ ବି ଅହଙ୍କାର ସ୍ପର୍ଶ କଲା ନାହିଁ। ସେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲେ ଯେ ସବୁଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ସବୁଠି ଭଗବାନ, ଯେଉଁ ଯାହା ଦେଖୁଛି ପ୍ରଭୁ, ସବୁ ତୁମ ସର୍ଜନା। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମଭାବ ଆସିଗଲା, କେହି ତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ନୁହନ୍ତି, ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିରହଙ୍କାର ହୋଇଗଲେ, ସବୁବେଳେ ହରି ଭଜନରେ ମତ ହୋଇଗଲେ। ଭଜନ ରସେ ମତ ହୁଏ ନ ପଡ଼େ ଶୋକ ମାୟା ମୋହେ, ଆମେ ଯଦି ଦୁଃଖ ଭୋଗୁଛେ ତାର କାରଣ ଆମକୁ ମାୟା ଏତେ ଜୋରରେ ଗ୍ରାସ କରିଛି ଯେ ଆମେ ଭଜନ ଛାଡ଼ି ଭଜନ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇଛେ। ତେଣୁ ଭଜନରେ ଯିଏ ମଜି ଯାଇଛି, ହଜି ଯାଇଛି, ହରିନାମେ କିରସ ଅଛି ପାନ କଲା ଲୋକ ସିନା ଜାଣୁଛି। ଯିଏ ହରିନାମ ରସରେ ମତୁଆଲା ହେଇଯାଇଛି ତାକୁ ନା ଭୋକ ଅଛି ନା ଶୋଷ ଅଛି।
तेणु केते केते सिद्ध संत महापुरुष माने भजन करी करी तांकर प्राण प्रयाण हो जाइछि से भोजन पछरे गोड़े नांती भोजन तांक पछरे गोड़े केते उदाहरण दिया जाई पारे। तेणु महाराज पृथ्वीजी एभली भावरे भजन करी करी उन्मत्त हो जाइछंती। विदुर महाराज को छाड़ीबा महात्मा कहले आज्ञा एमती देह छाड़ीदे भजन करी करी देह प्रत्येक टिके आपण कृपा करी विस्तारित भावरे कहिबे ना आउ केमिति महाराज योगासन कले एवं जो योगासन भक्ति रे भगवान को डाकी से देह को त्याग कले सही अमृतमयी कथा को आपण आउटिके विस्तारित भावरे आमको सुनांतु। एवं विदुर को सुंदर भावरे मैत्र मुनि कहउचंती सुस्थिरे बसी योगासने देहे समीर समाधाने गोविंद 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 पदुगळुचि मकरंद वाम चरण मूलाधारे निरोधि चापिले निर्भरे गोविंद 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 गळुचि मकरंद से मूलाधार रूप वन ऊर्ध को टेकिले राजन गोविंद 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 पदु गळुचि मकरंद नाभिरु हृदय कमळे पवन रखिले सधीरे गोविंद 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 पदु गळुचि मकरंद तहु षोडश दळे नेले तहु कंठरे तहु सिरे गोविंद 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 फूल सच्चिदानंद भगवान की जय। महाराज पृथ्वीजी कौन करिचंती बाम चरण मूलाधारे मूलाधार चक्र कहले आमर गुह्य चक्र मलद्वार पाखरे बाँच पाद को आणिक गोईठिक सेठी रखिले से मूलाधार रु पवन को ऊपर को तोलिले मूलाधार रु लिंग चक्र नाभि चक्र हृदय चक्र रु कंठ चक्र ये कंठ चक्र रु पुणी सहस्रार ललाट चक्र पर्यंत से पवन को टाणी नेले नेला परे कौन हैला मूलाधार रु सहस्रार पर्यंत गोटिए परे गोटिए चक्र अतिक्रम करी महाराज पृथु कौन करचंदी पवन को नहीं ऊर्ध्वरे ताले ऊपर रखिले कंठ चक्र परे पुनश सहस्रार ब्रह्मरंद्र जितले पवन कोटिला मूलाधार गुह चक्र पाखे मलद्वार पाखे से गोटे पर गोटे चक्र को अतिक्रम करी आठी पहुँचे देले देखिए छोट पिलांकर गोटे घर थाए मुंड दुकु दुकु बाजे दुखी दुखी घर कहती से हूँ ब्रह्मरंद्र जो माने जोगी माने पवन आम जो प्राण जाए कह पटीपटे प्राण चली जाए कार मूत्र द्वारा पड़े जे गला को प्राण किए एक कर दिए किए दुई कर दिए किए आमेला कर दिए किए आखि तराटी दिए किंतु जो माने जोगी सी जोग मार्ग में मूलाधार रु सहस्रार पर्यंत से पवन को तोली ब्रह्मरंद्र ने छाड़ी था जो स्मित हास्य प्रकाश करी देहांत ही थाए एमती कते सिद्ध साधु अच्छा पूर्वाश्रम ग्राम रे जड़े गृहस्थ वैष्णव लोक थे तांकर ना होची श्रीकृष्ण चंद्र साहू से गृहस्थी लोक किंतु दैनिक गायत्री जप करुथिले मंत्र करुथिले आहुति प्रदान करुथिले यज्ञ जेतोले वयसर अपराह्न होगला अंतत 85 वर्ष होगला हठात गोटे दिन आम छोट पिला सेतोले थाउ डाकिले कहले बापा आज जीवा आसिया बेल जीवा बेल होगला टिके मो पाखरे बस आम निजे प्रत्यक्षदर्शी पिलांक संगे आम भी खेलुथिलु बापा जीवा समय है पाद आड़ू जिते जीवी थंडा हो आसब
ଯେତେବେଳେ କଣ୍ଠ ପାଖରେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ ମୋ ପାଖରେ ମୋ କାନରେ ଟିକେ ଓମ୍ ତସତ୍ କହିଦେବ। ଆମକୁ ଗେଲ ଲାଗୁଛି କ'ଣ ଆମେ ହିସାବରେ ସେ ବାପାଙ୍କର ବଡ଼ ଭାଇ ଏବେ ମାନେ ବଡ଼ ବାପା ବୋଲି ଡାକୁ, କିନ୍ତୁ ସତକୁ ସତ ପାଖରେ ବସେଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଦରୁ ହେମାଳ ହେଇ ଆସିଲା ଏବଂ ସେ ଠାରିକିରି କହୁଛନ୍ତି ଆସିଗଲା ମୃତ୍ୟୁ, ଏଇ ପାଦ ଆଡ଼ୁ ଆସିଲା, ଏ ଅଣ୍ଟା ପାଖରେ ହେଲା, ଛାତି ପାଖରେ ହେଲା, କଣ୍ଠ ପାଖରେ ହେଲେ ମୁଁ ଆଉ କହିପାରିବିନି ତ, ତେଣୁ ମୋ କାନରେ ଟିକେ ଓମ୍ ତତ୍ କହିଦେବ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତିରେ ତାଙ୍କ କାନରେ ଓମ୍ ତତ୍ କୁହାଇଛି, ହସି ଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରାଣ ଚାଲିଯାଇଛି, ଏଇଟା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ଆମେ। ତେଣୁ ଏଭଳି ଯୋଗୀ ଗୃହସ୍ଥରେ ଥାଇକରି ମଧ୍ୟ, ସଂସାରରେ ଥାଇକରି ମଧ୍ୟ, ତେଲ ଲୁଣ ସଂସାର ଜଞ୍ଜାଳ ଭିତରେ ଥାଇକରି ମଧ୍ୟ ଏତେ ସାଧନା ସେମାନଙ୍କର ଯେ ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜାଣିପାରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ କେମିତି ନେବେ, ସେ ପବନକୁ ମୂଳାଧାରରୁ ରୋକି କେମିତି ସହସ୍ରରେ ପଟେ ଛାଡ଼ିଲେ ତାଙ୍କର ପରମଗତି ହେବ, ସେ ବିଦ୍ୟା ସେ ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଶିକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଆଜି ମହାରାଜ ପୃଥ୍ୱୀ, ଏ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ, ଏ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ, ଏ ଜୀବର ଉର୍ଦ୍ଧଗତି ଜ୍ଞାନ ସବୁ ସନତକୁମାରଙ୍କ ଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସେ ଶିକ୍ଷାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲାପରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ରୂପେ ପ୍ରାଣାଦି ପବନ ଗୋବିନ୍ଦ ବେଦିଣ ଏ ଷଡ଼ ଚକ୍ରୀଣ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ସେ ବ୍ରହ୍ମରନ୍ଦ୍ରେ ଜଗ ବଳେ ଗୋବିନ୍ଦ ଏ ସର୍ବ କରି ଏକ ଠୁଳେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ମନ ପବନ ଦୃଢ଼େ ଧରି ଗୋବିନ୍ଦ ଭିତରେ ରହିଲେ ପାସରି ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲି ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ ଭଗବାନ କି ଜୟ। ସେଇ ଅମୃତମୟୀ ରସକୁ ଆମେମାନେ ପାନ କରିବା ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ, ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଭୁଲି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ କି ଜୟ।